जोरदार ताली अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए। अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक बार जोरदार ताली अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS तेजस्विनी गौतम मैम, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बीकानेर। मैडम, आपका हम हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। खबरों में बीकानेर, खबरों में बीकानेर में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, सोशल मीडिया आप अपनी निजी जानकारी शेयर करते हैं या नहीं? यदि नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको यही बता रहे हैं कि शेयर नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी को। ये हम बता तो रहे हैं, लेकिन ये कहा है बीकानेर SP श्रीमती तेजस्विनी गौतम ने। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अपनी जानकारी यानी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर कभी भी शेयर न करें, बचें, शेयर करने से बचते रहें। SP तेजस्विनी 14 मार्च को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन तकनीक को लेकर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थी। उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि आप सब प्रतिभागी सोशल मीडिया पर खूब शेयर करें खेती किसानी की बातें, ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिले। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की पूरी जानकारी शेयर करें, ताकि इसका लाभ सभी किसानों को मिले जो सोशल मीडिया से जुड़कर ऐसी जानकारियां हासिल करते हैं। SP का कहना था कि खुद की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने से हमेशा बचें। SP ने कहा कि साइबर क्राइम के लिए लालच और लापरवाही के चलते 99% हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। आज हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोलने और सारी जानकारी उस पर डालने के लिए आतुर नजर आता है। इससे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस की इमेज को लेकर उन्होंने कहा कि किसी की भी इमेज कहने सुनने से ना बनाकर खुद के एक्सपीरियंस से बनाएं। राष्ट्रीय बीज परियोजना के अंतर्गत हुए इस कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रतिभागी गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को अच्छे से सीखें और यहां से सीखने के बाद अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी साझा करें, ताकि किसानों को इसका लाभ मिले। कुलपति ने विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्राओं को पुलिस के सहयोग से 7 दिवसीय सेल्फ डिफेंस दिलाने की बात भी कही। इससे पूर्व अनुसंधान निदेशक डॉक्टर PS शेखावत ने कहा कि किसानों को बीज रिप्लेसमेंट को बढ़ाना होगा, तभी उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इससे भी पहले स्वागत भाषण में अतिरिक्त निदेशक बीज डॉक्टर PC गुप्ता ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बताया कि इसमें किसान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट समेत जोधपुर, उदयपुर, जोबनेर के अलावा बुंदेलखंड, झांसी से भी प्रतिभागी आए हैं। कुल 75 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में बीज ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाइब्रिड बीज के चलते ही हरित क्रांति हुई थी, लेकिन किसान 25-30% बीज ही रिप्लेसमेंट करता है। मानव संसाधन विकास निदेशालय के निदेशक डॉक्टर AK शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने विश्वविद्यालय की सूरत और सीरत दोनों बदल दी है। इनके सहयोग से विभिन्न प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, इसका लाभ यहाँ के स्टूडेंट को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीड किसान की आत्मा होती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का साफा पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में IABM निदेशक डॉक्टर IP सिंह, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर विमला डुंकवाल, भू स्पृश्यता एवं आय सर्जन निदेशक डॉक्टर दाताराम, डॉक्टर सीमा त्यागी,
कृषि पर्यवेक्षक श्री आर एस शेखावत समेत बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे। तो यह थी कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में हुए आयोजन में एसपी तेजस्विनी जी के द्वारा दी गई सोशल मीडिया संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और यह हमेशा याद रखें कि यह हम और अन्य साधारण लोग नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर एसपी तेजस्विनी गौतम भी कह रही हैं कि अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर जाहिर नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं, देखते रहें खबरों में बीकानेर, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, देखते रहें, दिखाते रहें खबरों में बीकानेर।